अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर शराफत हुसैन, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिंग वर्म बेसिकली होता क्या है, इसकी रीज़न क्या होती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। रिंग वर्म हमारे जिस्म के ऊपर एक पैच बनता है, सेंट्रल फील्ड पैच होता है और वो रिंग की शक्ल में फैलता है। इस पे जो है पेशेंट को ख़ारिश होती है और माइल्ड पेन भी होता है। ये जो बीमारी है ये गर्मियों में ज़्यादा होती है, पसीने का ज़्यादा आना, जिस्म का ज़्यादा देर गीला रहना और प्रॉपर जो है वो शावर ना लेना, जिस्म की सफाई ना करना, इसकी वजह से होता है। और ये जो है ये हमारे जो घर में एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, इनकी वजह से भी फैलता है और ये ट्रांसमिटेड भी होता है। अगर एक पेशेंट को किसी जगह पे पैच बना हुआ है तो वहाँ पे अगर वो ख़ारिश करता है तो वही हाथ अगर जिस्म के किसी और हिस्से पे लगाता है तो वहाँ पे भी ये पैच बनना शुरू हो जाता है। तो ये ट्रांसमिटेड भी होता है। अगर हस्बैंड को है तो ये वाइफ को जो है वो मुंतकिल होता है, और अगर वाइफ को है तो हस्बैंड को भी मुंतकिल होता है। बाज़ दफ़ा हम लोग एक गलती कर रहे होते हैं कि हम जो अपने कपड़े जो पहन रहे होते हैं या हम टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं वो हम प्रॉपर वे में उसको एक ऐसी हवादार जगह पे नहीं रखते जहाँ पे वो प्रॉपर सूख जाए। वो गीला जो होता है टॉवल वो हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। उसका तरीका ये होता है कि एक दफ़ा आपने टॉवल यूज़ किया और उसको आप कोशिश करें कि ऐसी हवादार जगह पे रखें कि जहाँ पे वो ड्राई हो जाए। टीनिया जो है, रिंग वर्म जो होता है जिसे मेडिकल में टीनिया कहा जाता है, ये अगर हेड पे है, जो अमूमन छोटे बच्चों को ये ज़्यादा बीमारी होती है जिसे हम टीनिया कैपिटस कहते हैं, और अगर हमारी बॉडी पे है तो हम इसे टीनिया कॉपरस कहते हैं, और अगर ये ग्राउंड एरिया में है तो इसे हम टीनिया क्यूरस कहते हैं, और अगर ये पाँव के ऊपर होता है तो हम इसे टीनिया पैडिस कहते हैं, जिसमें पाँव की उंगलियों का गलना शुरू हो जाता है, उंगलियों के दरमियान जो है वो रैश बनना शुरू हो जाती है। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप वुज़ू करते हैं या पाँव को धोते हैं तो उंगलियों को साफ़ करें, फ़ौरन कॉटन की साक्स पहनें, ज़्यादा देर शूज़ ना पहनें। बाज़ दफ़ा इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर वे में नहीं किया जाता। इसमें बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो स्टीराइड दे देते हैं या पेशेंट ख़ुद ही नेट पे चेक करके या मेडिकल स्टोर वालों से एक चीज़ मांगता है कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम है, कोई क्रीम दे दें, और वो स्टीराइड लगाने की वजह से कुछ देर के लिए तो ये स्किन से गायब हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ये होता है कि ये आपको हमेशा के लिए जिस्म से ख़त्म हो जाती है। आप अपने जो करीब कोई भी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसके पास जाएंगे तो वो आपको जो है इसकी प्रॉपर मेडिसिन देंगे। लेकिन इसमें जो जितने भी रिंग वर्म हैं उनकी ट्रीटमेंट तो बेसिकली एक ही होती है। इसमें टर्बिना फाइन टैबलेट जो होती है वो डेली एक ली जाए, लेकिन इसके कुछ दिन खाने से ही जो टीनिया है वो गायब तो हो जाता है, लेकिन उस वक्त पेशेंट को स्टॉप नहीं करनी चाहिए। इसको कम से कम 3 माह इस्तेमाल किया जाए, और टर्बिना फाइन जो ऑइंटमेंट है प्लस उसको अगर आप मिक्स कर लें क्लोट्रिमाजोल के साथ और उस जगह पे अगर आप लगाएं और प्रॉपर इसको सुबह शाम अगर लगाएं तो ये आपका रिंग वर्क जो है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन लाइफस्टाइल इसमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो आप टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें आपका प्रॉपर शावर लेना, अपनी बॉडी को हाइजेनिक जो वे है उसे आपने वॉश करना है, तो इसका ख्याल रखने से ये चीज़ जो है वो नहीं बन सकती। तो वीडियो जो हम बनाते हैं, ये एक बहन थी मेरी, उनका मैसेज आया था कि रिंग वर्क के ऊपर वीडियो बनाई जाए। अगर आप को कोई ऐसा इशू है तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।
बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,